भाई साहब की बारी है भाई साहब, हो गए लेट आज। 8 बजे का टाइम दिया, 8:30 बजे हम एक तारीख में चटनी है, तारीख में तारीख, तारीख में तारीख। निर्वैर की मम्मी इतना 3 बजे खाई होगी, बीट जी भी ऐसे रहते, मैंने कहा 4 बजे फेयरवेल खाई है। प्रिंसिपल तक पूछ रहे थे फेयरवेल कौन सी डेट को रखनी है। मुझसे धुआं निकल रहा है, देखो कर्तव्य नहीं दिखाते मुझे धुआं निकालने वाला। गोरा ही गोरा। अबे भाई, पहले तो मैं ना अपना गिफ्ट खोलूं क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है, तो गिफ्ट खोलूंगा तो आपको गिफ्ट मिलेगा क्योंकि हम गाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ओए होए, हैप्पी बर्थडे टू यू। आहा, दाढ़ी सेट करके मुंडा हो गया सुनखा, अब पापा बन गया हूँ तो भाई थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है, दाढ़ी वाड़ी सेट करके हर जगह जाना पड़ता है। हमारे साथ वीर जी है, पता क्या कह रहे मेरे को, कहते यार ब्लॉग में मतलब लोग बोलेंगे तुम्हारे पास एक ही बंदा है। मैंने बोला दिल और प्यार एक ही से लगता है और एक ही से होता है ना, वो बार बार किसी को दिया जाता है और बार बार किसी को नहीं, क्या कहते हैं वो, ना बाबा किसी से प्यार होता है ना बार बार किसी से इतना प्यार बढ़ता। यार बहुत सारा प्यार है तो इसलिए ना बम्पल मारे जा रहता हूँ। तो फटाफट करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। की हाल चला है सारे बढ़िया, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। वारी वर्षी खटन कैसी खटके ले आंदी, फॉग न्यू ईयर आ गया, शुरू हो गया ब्लॉग। तो नए ब्लॉग है वो, हो प्रकाश पड़ रहा है पीछे से, वो देखो होए, थोड़ा प्रकाश को छुपाते हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब आज न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, मेरी तरफ से पूरी यूट्यूब फैमिली को आप भी कर दो हैप्पी न्यू ईयर। और हम करने का जा रहे हैं, एक्चुअली लोग स्टार्ट करते हैं न्यू ईयर पार्टी से, पब से, शब से। हमारी सुबह और दिन, वही सुबह और दिन तो एक ही हो गया, सुबह और रात, दिन और रात स्टार्ट होती है महाराज के नाम से। और हम अभी भी वही करने जा रहे हैं। वीर जी ने बोला है यार वीर जी कीर्तन है, चलोगे? मैंने कहा चलना है आपके साथ, चलना है। क्योंकि भाई साहब आवाज़ जहाँ पर महाराज की आ रही हो वहाँ बंदा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वीर जी कीर्तन भी ऐसा करते हैं ना कि भाई आंखें बंद कर लो और गेन को बोलो दिन रात करते रहो। क्या बात है भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और भगवान का नाम है। अरे और भाई मैं ना भाई को हमेशा पूछता हूँ, भाई आपको पता है हम दोनों पहली बार कब मिले थे? कह रहे नहीं। मैंने कहा आपको पता है कि हम कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे? कहते नहीं। ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसके बारे में आते हुए बात करेंगे। ओहो भाई साहब ये तो रोलर कोस्टर बना रहे हो तुम। तो अब यार लेट कर दिया पहले आपने। यार भाई आज के लिए तो सॉरी है, मैंने 50 बारी सॉरी बोलने का वादा किया आपको। निर्वैर के चाचू पापा, निर्वैर के पापा सॉरी बोल रहे हैं। भाई साहब अभी प्लान क्या है ना, हमने जाना है किसी सज्जन के घर, किसी प्यारे के घर, वहाँ पर कीर्तन है तो वो वेट कर रहे हैं वीर जी का। तो मैंने कहा कि अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लोगों ने दिन में शुरू किया था ब्लॉग, हमने रात को शुरू किया, तो हमारे साथ बने रहो, मज़ा पूरा कराएंगे। देखना अभी कीर्तन में मज़ा कितना आता है, जैसे गाने की आवाज़ होती है ना, स्पीड स्लो तेज होती है, सारी चीज़ें होती है इसके अंदर भी। तो बने रहो, देखते रहो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कीर्तन ही है सच्ची में, कीर्तन पे तो जा रहा हूँ मैं। ठीक है मैं पहुँच के फोन करता हूँ। तुम भी खा लो, खा क्या नहीं रहे हो? अरे वीर जी भी बात कर रहे हैं 2 मिनट। क्या कह रहे हो? सॉरी कर लो। नहीं ठीक है। अबे गाड़ी चल रही है यार, आप कर सकते यार बाबू, मैं पंगे ले रहा हूँ, हद कर दी यार, कुछ नहीं खा पी रहे, वीडियो कॉल कर रहा है यार, कसम से यार, शक कितना शक यार, एक तारीख पे शक किया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। निर्वैर की मम्मी इतना शक, शकोड़ा नवाब। चलो ठीक है काके, मैं पहुंच के फोन करता हूँ, बहुत लेट हो गया भैया। ओ भाई साहब ये इतने खराब बंदे है ना, घर से फोन आया तो पीछे से बोलते हैं कि भैया ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये खा लो, वो खा लो, कह रहे जहाँ पर भी हो लोकेशन में, जहाँ पर भी हो वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल आ गया भाई यार। भाई साहब ऐसे होता है जी, बहुत बड़ी तो ऐसे हुआ है कि वो ना एक मिनट हटाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाएंगे
तो जहाँ पर हमने जाना था हम पहुँच चुके हैं, अंदर जाके कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करेंगे, खाली कीर्तन का आनंद मानेंगे, आनंद करेंगे, आनंद लेंगे, आनंद। हमने यहाँ मुड़ना है, ये वाली गली में, ये सीधी जाके थोड़ा सा रह गया। पता नहीं, मैंनू एक मिनट में पूछ लेना। हाँ प्लीज प्लीज वीर जी, एक सेकंड भैया जी, ये कौन सी जगह है? ब्लॉक ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक पता नहीं हमको। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। ओहो आत रही आवाज भाई, इधर ही आ रहे शायद। यही है ना भाई, हम फंस चुके हैं। मैंने कहाँ जाना है कहीं को नहीं पता, जगह है नहीं। लगाता वीर जी, वीर जी आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, कोई है गाड़ी का ना, बंदा आ रहा है। भाई साहब गलियों में फंस चुके हैं, पार्किंग की दिक्कत, दिल्ली के अंदर पार्किंग की दिक्कत। घर बनाने से पहले, ओहो गाड़ी लेने से पहले घर के नीचे बड़ी पार्किंग लगानी चाहिए। कोई नहीं बाबा, हम ढूंढ लेंगे। हो गया महाराज, कोई वीर जी आ रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, दूत भेजा बाबा जी ने, ठीक है ना, वेट करें। भाई साहब की बारी है, भाई साहब हो गए लेट आज। 8 बजे का टाइम दिया, 8:30 हो गए हम। जल्दी 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 सतना करता पुरख करता पुरख। अगर सीरियसली जो आनंद गुरु की वाणी में है ना, जो महाराज सिखाते हैं, जिस कार्य के लिए महाराज ने भेजा है, कीरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, ये तीन चीज़ें महाराज ने बोली है। फ़ोन आ गया, दोबारा कंटिन्यू करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, कि एक्चुअली में जहाँ पर हम कीर्तन करने गए थे, यहाँ वीर जी कीर्तन कर रहे थे, जहाँ कीर्तन हो रहा था वो दरबार हॉल है किसका और पूरी हिस्ट्री क्या है अभी बताते हैं आपको। जो भी हम गाड़ी यहाँ पार्क कर दी दूर, तो वीर जी स्कूल कौन सा है वाला?
MS Glow. ये फर्स्ट कॉपी लग रही है आपकी? ये फर्स्ट कॉपी है GHBS की। भाई साहब ये मैंने पहली बार देखा है, अगर यहाँ पड़े होते कुछ बन जाता मैं आज। कैमरा ना पकड़ा था मैंने मैंने पिस्टल पकड़ी होनी थी भाई। फर्स्ट कॉपी पढ़ के क्या करोगे? फर्स्ट फिर मैं ऐसे सही जनरल स्कूल पढ़ाऊँ भाई साहब। पढ़े हैं कौन सी थे वो स्कूल? बसंत विहार, टॉप एंड स्कूल, जहाँ से एकदम वो निकलते हैं जैसे साधु निकलते हैं। जहाँ मैं पढ़ाऊँ ना वहाँ से शैतान निकलते हैं भाई साहब। मैंने आपको बताया हुआ ना कि लोगों ने फेयरवेल दो बारी तीन बारी खाई होगी, वीर जी भी हंस रहे थे। मैंने कहा चार बारी फेयरवेल खाई है, प्रिंसिपल तक पूछ रहे थे फेयरवेल कौन सी डेट को रखनी है। तो भाई साहब अभी गाड़ी के अंदर बैठ के बताते हैं आपको। ठंड ज़्यादा हो गई यार, मुंह से धुआं निकल रहा है देखो। वो करतब नहीं दिखाते मुझसे धुआं निकालने वाला, हम बिना उसके निकाल रहे हैं। आज आप कीर्तन करने गए थे ना, वो इतने प्यार वाले थे, घर के अंदर लिफ्ट के ऊपर के दो जो फ्लोर थे वीरजी महाराज को दिए हुए थे। मतलब लोग वैसे सारा पैसा उड़ा देते हैं खाने में पीने में, मतलब ड्रिंक कर लेते हैं, मगर ऐसी चीज जो महाराज के प्रति प्रेम, इतना प्रेम कि भाई साहब दो फ्लोर ऊपर दिए हुए हैं। एक फ्लोर पे लंगर हॉल था, थर्ड फ्लोर पे महाराज का स्वरूप था जहाँ पर कीर्तन होता था। कीर्तन इतना जबरदस्त हुआ, दिल खुश हो गया। वहाँ पे वो कह रहे थे कि जैसे वहाँ पे आसपास कोई गुरुद्वारा जैसे नहीं है तो हम संगत के लिए गुरुद्वारा बनाएंगे, यहाँ पे कीर्तन होएगा, संगत आएगी। बहुत प्यार बने, लिटरली दिल रूह खुश हो गई। इसे कहते हैं ना न्यू ईयर, एक्चुअल में इसे कहते हैं। जब संगत प्यार वाली होती है ना, जब सारे प्यार वाले होते हैं तो अपने आप ही आनंद होता है। मेरी सच्ची में रूह खुश हो गई थी, नाम ना जब पे आत्म गाती खाने पीने गए हो? नहीं यार, फिर मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि हम भाई साहब महाराज के दर पे कीर्तन करने जा रहे हैं, वीर जी के साथ हाजिरी भर रहे हैं, तो फिर वो माने। तो अब लेट हो गए, फिर हम घर जाते हैं। धुंध बहुत ज्यादा है, जरा धुंध के मजे लो जब तक हम थोड़ी बातें कर लें। व्लॉग बन रहा है तेरा? क्या हाल है कनेडियन? साडा मुंडा कनेडियन भाई, व्लॉग में आ रहा तू? मेरे को लग रहा है हमारा गिन्नी भाई बाहर जाके मुंह बर्फ रगड़ रहा है। गोरा ही गोरा भाई। फिल्टर लगाया है? फिल्टर? अबे व्हाट्सएप पे कहां फिल्टर लगता है यार, ये फिल्म में ब्लर हो गई। बाय 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 बाय, घर जाके ओ हो 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 ओह पोंगा हो गया मैं, चला नहीं जा रहा, बड़ी देर बैठ गया मैं। ठीक है ध्यान से फोन कर देना, ठीक है ना? बहुत सारा प्यार। एक्चुअली आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, न्यू ईयर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश करी थी करने की मगर हम लेट हो गए थे, मगर एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द ईयर हमने महाराज का नाम जपा, तो ऐसा जपा महाराज ने उसका रंग हमें चढ़ा दिया। हम जहाँ पर कीर्तन करने गए थे वहाँ पर दो फ्लोर उन्होंने महाराज के नाम कर दिए, मतलब एक पे महाराज का प्रकाश हुआ था, दूसरी जगह नीचे लंगर हॉल था। सीरियसली आनंद इतना आया ना, ऐसा काम करो कि दुनिया देखे, दुनिया सलूट करे, और ऐसे गुरु के लाल ही कर सकते हैं। आते आते लेट हो गए थे, हमने लंगर नहीं किया घर पर आके, अभी जस्ट रोटी खाई, वीर जी अपने घर पर रोटी खा रहे हैं, और मॉर्निंग का जो ब्लॉग आने वाला है उसके अंदर बहुत प्यारी चीज़ें हमने करनी है। एक्चुअली कर हमने निर्वैर कौर को अमृत चखाना है, मतलब चूल्हा पलाना है, सुच्चा इसे बोलते हैं ना, वो करना है। तो कल वाला ब्लॉग भी आएगा, डेली ब्लॉग बन रहे हैं, एडिटिंग करने का टाइम नहीं है, फटाफट एडिट करेंगे और डालेंगे, तो डे बाय डे ब्लॉग आएंगे। थोड़ा लेट हो जाएगा तो प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। आई होप आपको ये वाला अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो में, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।